लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बिग बॉस 11 कंटेस्टेंट प्रियंका शर्मा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में खुद को कंटेस्टेंट अर्शी खान की स्कूल फ्रेंड बताने वाली एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने प्रियंका को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस बार गहना ने एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में प्रियंका को न सिर्फ कुत्ता कहा बल्कि उन्हें इंसानियत के नाम पर धब्बा भी बता दिया। गहना ने अपने इंटरव्यू में कहा, प्रियंका शर्मा एक कुत्ते हैं जो प्रोजेक्ट्स के लिए किसी के भी साथ सो सकते हैं। वे पूरी तरह से शेमलेस, मॉरलेस और इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। गहना ने यह भी दावा किया कि प्रियंका के खिलाफ दिल्ली में सेक्सुअल हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन का केस भी चल रहा है। गहना ने आगे कहा, वे न सिर्फ बाईसेक्सुअल हैं बल्कि गए काम के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ सोते भी हैं। प्रियंका का नाम कंटेस्टेंट विकास गुप्ता के साथ भी जुड़ चुका है। शो ज्वाइन करने के कुछ समय बाद खबरें आई थी कि दोनों गए रिलेशनशिप में हैं। इसी वजह से उनकी गर्ल फ्रेंड भी दूर हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका एमटीवी पर आने वाले शो स्प्लिट्स विला 10 की कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल को डेट कर रहे थे। हाल ही में दोनों के ब्रेकअप की खबरें आईं जिसकी वजह विकास गुप्ता को बताया गया। गहना ने दावा किया था कि वह अर्शी को स्कूल के दिनों से काफी करीब से जानती है। गहना ने आरोप लगाया था कि अर्शी ने शो में अपनी उम्र और शादीशुदा होने की बात छुपाई है। उनकी उम्र 32 साल से भी ज्यादा है लेकिन वे शो में खुद को 27 साल का बताती हैं। गहना के अनुसार अर्शी बिग बॉस में आने के पहले 50 साल के शख्स से शादी कर चुकी हैं। गहना ने यह भी कहा था कि अर्शी के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस भी दर्ज हैं, जिसमें से 4 केस उन पर भारत और पाकिस्तान के झंडे का अपमान करने के हैं। वे कई बार न्यूड होकर अपनी बॉडी पर फ्लैग पेंट करा चुकी हैं। गहना ने कहा था, बिग बॉस में आने के लिए अर्शी ने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी गलत बताई है। शॉकिंग बात तो यह है कि आखिर चैनल और शो मेकर्स ने ऐसी झूठी लड़की को कैसे अप्रोच कर लिया।